गया शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र में बीते शाम में निदान हॉस्पिटल के अस्पताल प्रबंधक के साथ बदमाशों ने मारपीट किया। बदमाश लॉकडाउन के उल्लंघन करके पुलिस से बचने के लिए अस्पताल में शरण नहीं देने पर अस्पताल प्रबंधक के साथ मारपीट की। अस्पताल प्रबंधक ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस अभी तक न कार्रवाई की और न ही FIR दर्ज किया है। बोधगया रोड मारनपुर में स्थित निदान हॉस्पिटल के प्रबंधक पंकज अग्रवाल ने बताया कि 18 मई की शाम पुलिस चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। इस दरमियान 8 लोग ऑटो से सवार होकर जा रहे थे। जब उन्होंने पुलिस को देखा तो 5 युवक उनके क्लिनिक में घुसना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन सभी को क्लिनिक में अंदर नहीं जाने दिया। पुलिस के जाने के बाद 5 मनचलों ने उनके साथ मारपीट की, जबकि वे उनसे बार बार ये कह रहा था कि अस्पताल के कर्मी हैं, फिर भी वो लोग उन्हें मारते गए। मोबाइल, पैसा और सोने का चेन छीन कर ले गए। हालांकि उन्होंने बाद में मोबाइल लौटा दिया। लॉकडाउन में स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट को लेकर स्थानीय पुलिस बिल्कुल गंभीर नहीं दिख रही है। घटना के 24 घंटे बीतने पर भी विष्णुपद थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बीटी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। कल रात में यहाँ पे कुछ लोग जो थे वो थाना का गाड़ी देख करके भागा भागी करने लगे, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल में घुसने का प्रयास किया। तो हम लोग नीचे ही खड़े थे, हम लोगों ने मना किया कि यहाँ पे झूठ का भीड़ नहीं लगाइए। तो लोकल ही यहाँ पर के लड़के थे, जिसमें एक का नाम फेकू है, एक का नाम सहंसा है, एक न्याज था और उसके साथ और 8-10 लोग थे, जिन लोगों ने मना करने के बावजूद फिर हाथापाई किया। और जब मैंने ये बात बोला कि मैं थाना को फ़ोन करता हूँ, तो उन लोगों ने मेरा मोबाइल छीन कर और ले कर चले गए। छीना झपटी में गले से मेरा चैन भी निकाल लिया है। मोबाइल तो उन लड़कों ने वापस फिर आके दे दिया, लेकिन चैन का कोई अता पता नहीं। मैंने विष्णुपद थाना में लिखित एक आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये लोग यहीं पे पास के मोहल्ले के ही हैं। ये पहले जो वार्ड पार्षद थी सहगुप्ता परवीन, उन्हीं के घर के सामने गली के ही रहने वाले सारे लड़के हैं। जिला प्रशासन से क्या चाहते? जिला प्रशासन से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग तो मेडिकल फील्ड में हैं, और इस तरह का अगर घटना अगर फिर दोबारा अगर होता है तो हम लोग कैसे आगे करेंगे। तोड़ फोड़ तो नहीं किया है, चूँकि नीचे ही से हम लोग अंदर आने नहीं दिए उन लोगों को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज अग्रवाल हुआ। आप क्लिनिक के डॉक्टर हुए या फिर मैनेजमेंट में देखता हूँ यहाँ पे।